हे यू और मैं गॉर्जेस वेलकम बैक टू द चैनल आई रियली होप कि आप सब अपनी फैमिली के साथ एकदम सेफ और बहुत मज़े से होंगे सो कई जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि वेडिंग सीजन इज ऑन और ऐसे में काफ़ी सारे कलरफुल लेटेस्ट पैटर्न में कुर्ती एंड कुर्ता सेट्स की रिक्वायरमेंट होती है तो आपकी उन्हीं सब नीड्स को ध्यान में रखते हुए आज मैं आपके साथ एक बेहद कलरफुल हॉल वीडियो शेयर करने वाली हूँ जिसमें आपको डिफरेंट पैटर्न कलर्स एंड यू नो स्टाइल्स मिल जाएंगे सारे ही बहुत ही प्यारे पीसेज है अराउंड नाइन टू टेन कम्पलीट कुर्ता सेट्स एंड कुर्तीस रहेंगी जो कि मैंने हम सभी के फेवरेट ब्रांड फैशोर से लिया है बिकॉज आई रियली नो कि माई ऑडियंस लव फैश प्रोडक्ट्स क्योंकि उसमें हमको जो है नए स्टाइल सीखने को मिल जाते हैं इन बजट तो आज का ये कलेक्शन बहुत प्यारा होने वाला है आपकी टेस्ट के अकॉर्डिंगली मैंने सारे पीसेस पिक किए हैं सबके जो डायरेक्ट लिंक्स हैं नीचे आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर चेक कीजिएगा वीडियो को एंड तक देखना आप लोगों को पसंद आती है यूजफुल लगती है तो लाइक और कॉमेंट कीजिएगा क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है ऐसी ही प्यारी प्यारी लेटेस्ट कलेक्शन आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए एंड येस ऐसे ही फैशन हॉल वीडियोज आप इन फ्यूचर देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली को और भी बड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाइए अब चलिए जल्दी से चलते हैं और आज का ब्यूटीफुल सा हॉल पिटारा मतलब फर्स्ट वन हैज़ टू बी आवर फेवरेट बिकॉज़ ये मेरा पर्सनल फेवरेट है बहुत ही ब्यूटीफुल से कुछ इस तरीके से हमको चीकू एंड बेज कलर के शेड में हमको ये मिल जाता है फैब्रिक इसका कॉटन सिल्क रहेगा बहुत ज्यादा सॉफ्ट एंड फाइन फैब्रिक है इसका कुछ ऐसे आप देख सकते हो यहां पे आपको राउंड नेक मिलेगा एंड फ्रंट पे आपको फुली एम्बेल्निश्ड वर्क हैंड वर्क मिल जाएगा जिसमें पर्ल वर्क भी है करदाने का काम है एंड यू नो सीक्वेंस का वर्क दे रखा है एम्ब्रॉयडरी भी है जस्ट लुक एट दिस वर्क गाइस आई मीन इज टू डाय फॉर कुर्ता बहुत ज्यादा प्रिटी एंड प्यारा लगता है एंड हर एज की लेडी पे एंड हर स्किन टोन के ऊपर बहुत परफेक्टली जाता है तो इस तरीके से कुछ इसकी लुक होगी कॉटन सिल्क इसका फैब्रिक है तो आपको इस पूरे ही कुर्ते पे एक प्यारी सी शाइन दिखने को मिल जाएगी सो so, कुछ ऐसा इसका लुक है स्लीव्स इसमें हमको मिलेगी थ्री फोर्थ जिसमें कि हमको ये पर्ल डिटेलिंग दे रखी है ये पर्ल के ड्रॉपलेट्स दे रखे हैं कुछ ऐसे एंड ये गोटा पट्टी की डिटेलिंग दी हुई है जो कि इसको बहुत ही ब्यूटीफुल सा लुक देती है एंड ये जो है स्ट्रेट फिट का कुर्ता है परफेक्ट इसकी फिट आई है आप देख सकते हो नीचे तक जो है ये आपको कुछ इस तरीके के प्लेन सॉलिड कलर में

दिस इज रियली सच अ ब्यूटिफुल पीस आई रियली डो नॉट वॉन्ट कि आप लोग इसको मिस करो ये पहनने के बाद बहुत ज्यादा रिच लगता है गाइस डू चेक इट आउट इसका लिंक मैंने नीचे दे रखा है इससे पहले कि ये आउट ऑफ स्टॉक हो जाए जल्दी से इसको चेक कर इज अगेन वन ऑफ माई फेवरेट जो कि आपको हंड्रेड परसेंट कॉटन फैब्रिक में मिल जाएगा और पीछे मैंने एक हॉल वीडियो में वेयर किया था एंड इसका कुर्ते का आप लोगों ने बहुत सारे ने जो है ना लिंक मांगा था सो so गाइज ये भी फैशन और ब्रांड का ही है एंड दिस इज रियली वेरी प्रिटी कुछ ऐसा आपको ये वी नेक में मिल जाएगा यहाँ पे ये पूरा क्रोशे का लेस डिटेलिंग है साइड पे इसके नेक पे हमको ये पैच वर्क मिलता है जिसमें फुली हैंड वर्क हो रखा है इसमें आपको एम्ब्रॉयडरी का पर्ल डिटेलिंग कर दाने का काम सीक्वेंस

पूरी लेयर्स एंड देन दिस वन बहुत ज्यादा प्रिटी एंड ग्रेसफुल तो ओवरऑल इसकी लुक ऐसी हो जाएगी स्ट्रेट फिट का कुर्ता है परफेक्ट इसकी भी फिट है एंड ये जो है आपको पूरा बीच में कुछ इस तरीके से मिल जाएगा फ्लोरल पैटर्न पर मस्टर्ड कलर इसको एक प्यारी लुक दे रहा है एंड यू नो पिंक सारे कलर्स एक दूसरे को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं सबसे नीचे इसके फ्रंट पैनल पर आपको ये क्रोशे की लेस डिटेलिंग मिल जाएगी ये देखिए कुछ ऐसे इसके साथ आप किसी भी कलर का बॉटर वेयर पेयरअप कर सकते हो अदरवाइज आपके पास यू नो बेज ऑफ वाइट कलर का है तो वो भी परफेक्टली जाएगा इसके साथ आपकी जो यू नो लुक को है वो बहुत ज्यादा एनहांस कर देते हैं इस तरीके के जो यू नो कलर कॉम्पलेक्शन या फिर यू नो शेड्स के जो ये इन्होंने यू नो मिक्सचर्स करे हुए हैं बहुत अच्छे लगते हैं बैक साइड पे आपको ये सेम इसी प्रिंटिंग पैटर्न में मिल जाएगा इस कुर्ते के लिए सीरियसली गाइस आपको किसी बहाने की जरूरत नहीं है कोई भी ओकेजन हो उसमें आप इसको कंफर्टेबली वेयर करोगे एंड दिस लुक्स रियली वेरी प्रिटी मेरी तरफ से ये हाईली रिकमेंडेड है इसको जरूर नेक्स्ट पीस जो है गाइस वो एक कुर्ता और पैंट का सेट है एंड ये भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेंट लगता है मसलन फ़ैब्रिक में हमको ये सेट मिल जाएगा कुर्ते की अगर हम बात करें तो कुछ इस तरीके से कॉलर्ड नेक है इसमें फ्रंट पे हमको ये बटन डिटेलिंग दी हुई है जो कि फंक्शनल है एंड साइड पर हमको ये वाला जो है पूरा इन्होंने गोटा पट्टी की लेस डिटेलिंग दे रखी है ये देखिए कुछ इस तरीके से लहरिया प्रिंट पर हमको ये कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसमें कि आपको बेबी पिंक आई मीन ब्लश पिंक एंड फूशिया पिंक पीच कलर का कॉम्बिनेशन मिलेगा एंड ये जो गोल्डन लाइन आप देख रहे हो ये पूरा फॉल प्रिंट का वर्क है सच अमेजिंग पीस ये भी वेयर करके बहुत अच्छा लगता है काइंड ऑफ यू नो पठानी सूट की लुक देता है इसके साथ आप पहनोगे ना तो बहुत प्यारी लगने वाली है तो इसकी लुक कुछ ऐसी है थ्री फोर्थ इसमें हमको स्लीवस मिलेंगी ऐसी एंड स्लीव के एंड पे भी हमको यही वाला जो है इन्होंने पूरा लेस डिटेलिंग का वर्क दे रखा है स्ट्रेट फिट का कुर्ता है ये एंड इसकी फिट भी बहुत अच्छी आई है आप देख सकते हो ये देखिए कुछ इस तरीके से पूरा आपको नीचे तक ये लहरिया पैटर्न में मिल जाएगा काफी वाइब्रेंट और रिच कलर है एंड इस वेडिंग सीजन में ये काफी प्यारा लगने वाला है बैक साइड पे आप सकते हो पूरा इसी तरीके से रहेगा कलर पैटर्न एवरी हमको सेमी इलास्टिकेटेड मिल जाएगा अगर इसके हम फिट की बात करें तो एकदम रेगुलर फिट में मिल जाएगा तो आप देख सकते हो न्यूली वेड्स के लिए भी ये सेट बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है आप इसको किसी भी ओकेजन में वेयर करोगे तो आपको सब कॉम्प्लीमेंट जरूर देंगे तो यस मेरी तरफ से नो डाउट ये भी हाईली रिकमेंडेड है सोच नेक्स्ट पीस जो है वो एक आलिया कुर्ती और पैंट का सेट है जो कि कुछ ऐसा आपको 100% परसेंट कॉटन में मिल जाएगा काफ़ी समरी लगता है ये एंड बीइंग अ कॉटन फैब्रिक ये बहुत ज़्यादा ब्रीदेबल है स्किन फ्रेंडली है कंफर्टेबली आप इसको कहीं पे भी वेयर कर सकते हो आप देख सकते हो कुछ ऐसा इसमें आपको वी नेक मिलेगा जिसमें कि ये आपको लेस डिटेलिंग दे रखी है गोटा पट्टी की एंड इधर से जो इसका कट पैटर्न है वो पूरा आलिया कट का है तो इसकी लुक कुछ ऐसी है बाकी ये पूरा फैब्रिक प्रिंट है दो सिंपल शेड्स रहेंगे पर्पल एंड वाइट विच आर कॉम्प्लीमेंटिंग ईच अदर वेरी इसली कुछ ऐसा इसका लुक आ जाएगा स्लीव इसमें हमको मिल जाएगी थ्री फोर्थ स्लीव के एंड पे हमको ये वाला पैचवर्क मिलता है साथ में गोटा भट्टी की डिटेलिंग है ना ये जो है ना आलिया कट का पैटर्न है सो so, आपको ये अपू इधर तक जो है बस तक एकदम फिट रहेगा मतलब प्रॉपर फिट है एंड देन उसके बाद ये पूरा प्लीटेड पैटर्न रहेगा एंड नीचे तक इसका घेर काफी अच्छा खासा है एंड ये बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट एंड सीथ्रू नहीं है आप देख सकते हो नीचे तक इसका फ्लेयर भी बहुत अच्छा खासा है एंड देन इसकी लेंथ भी काफी अच्छी है पर्ल ज्वेलरी के साथ ये बहुत अच्छा लगेगा सो so, इसका लुक ओवरऑल हो जाता है कुछ इस तरीके से कुर्ते का बैक साइड पे भी ये हमको सेम इसी पैटर्न पे मिल जाएगा एंड इसके साथ जो इन्होंने बॉटम वेयर दिया है वो भी 100% परसेंट कॉटन का है सेमी इलास्टिकेटेड आगे से ये ड्रॉस्टिंग दे रखी है एडजस्ट करने के लिए एंड देन पीछे से ये इलास्टिकेटेड रहेगा इसमें आपको कुछ इस तरीके का प्रिंट देखने को मिल जाता है विच इज अगेन फैब्रिक प्रिंट ये देखिए कुछ ऐसे है टेक्सचर्ड आपको बीच में प्रिंट दे रखा है एंड देन लाइन पैटर्न है पूरा काफ़ी रेगुलर फिट है इसका एंड ये बहुत कंफर्टेबल रहता है सो so अगर आपको कुछ ये you हो know, एक ब्राइटर शेड वेयर करना है स्पेशली डे ओकेजन के लिए बट वो कंफर्टेबल एंड ब्रीदेबल भी होना चाहिए गर्मियों में को दिस पाकिस्तानी सूट सेट सी हार्ट इतना ज्यादा प्यारा है गाइज ये इसका कुर्ते की अगर हम बात करें ना तो ये चिन्ह सिल्क में आपको मिल जाएगा एंड दिस इज सुपर गोज पीस इसमें आई थिंक इसके अलावा एक कलर ऑप्शन और

ऐसे इसकी लुक है पाकिस्तानी स्लीव्स इसमें हमको मिल जाएंगी कुछ ऐसी आप इसका फ्लो देख सकते हो कितना ज़्यादा सॉफ्ट एंड फाइन है कुछ ये प्रिंट आपको मिल जाता है एंड एंड में जो है हमको ये वाली क्रोशे की लेस डिटेलिंग इसमें इन्होंने दे रखी है तो ये हो जाती है इसकी स्लीव्स और ये हो जाता है इसका फ्रंट पोर्शन पूरा नीचे तक आपको ये इसी प्रिंटिंग पैटर्न पर मिलेगा ये देखिए कुछ ऐसे मैं आपको कुछ इस तरीके से दिखा देती हूँ ये देखिए एंड फैब्रिक इसका चिनॉन सिल्क है तो इसमें आपको बहुत प्यारी सी ग्रेसफुल शाइन दिखने को मिलेगी साइड स्लिट्स में फ्रंट पोर्शन में एंड बैक में दोनों तरफ आपको ये देखो कुछ इस तरीके की आप देख सकते हो कलर कॉम्बिनेशन सब कुछ कितना रिच लग रहा है है लाइनिंग, कर रखी है, लाइनिंग नीचे तक है, तो ये बिल्कुल भी थ्रू नहीं है पूरी लाइनिंग दे रखी है सेम शेड की एंड बैक साइड पर आपको ये पूरा इसी प्रिंटिंग पैटर्न में मिल जाएगा ऊपर का पोर्शन जो है वो प्लेन रहेगा मस्टर्ड कलर का एंड हमको ये वाला पूरा प्रिंटिंग पैटर्न मिल जाता है जस्ट लुक एट द Color combination and fabric. This is such a rich piece. बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग लगता है ये वेयर करने के बाद इसके साथ जो बॉटम वेयर है ना वो हमारा रेन फैब्रिक में रहेगा जो कि फुली इलास्टिकेटेड है ये देखिए कुछ ऐसे आसन इसमें काफ़ी अच्छा खासा दे रखा है एंड अगर हम इसके फिट की बात करें तो ये आपको पैंट स्टाइल में मिल जाएगा स्ट्रेट कट पैंट स्टाइल है इसका तो ये बहुत कम्फर्टेबल रहता है आपको अगर पूरा दिन भी वेयर करना हो तो उसके लिए भी एकदम परफेक्ट है हल्दी के ओकेजन के लिए एकदम परफेक्ट पीस दुपट्टा इसमें रहेगा शिफॉन का जो कि कुछ इस तरीके से है ये देखिए फुल लेंथ एंड वर्थ में इसका दुपट्टा रहेगा विथ पे जो है हमको इन्होंने ये पैचवर्क दे रखा है इसके कुर्ते के फैब्रिक का जस्ट uh, वर्थ में रहेगा एंड लेंथ जो है इसकी एकदम प्लेन है बीच में आप देख सकते हो पूरा सॉलिड कलर का मिल जाएगा मतलब इस तरीके के पीस को कौन मिस करेगा अगर आपके घर में कोई भी वेडिंग होने वाली है ना तो इसको आँख बंद करके पिक कर लेना आपको सबके सब पूछने वाले हैं कि आपने कहाँ से परचेज़ किया सो नो डाउट दिस इज ऑल्सो हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई सोलेश चलते हैं अपने नेक्स्ट कुर्ता सेट की तरफ जो कि कुछ ऐसा है इसमें आपको आलिया कुर्ता के साथ पैंट मिल जाती है एंड दिस इज़ सच अ ब्यूटिफुल पीस हंड्रेड कॉटन फैब्रिक में हमको ये मिलेगा वाइट इसका बेस है और आप देख सकते हो कि ये कितना ज्यादा ग्रेसफुल लग रहा है यहां पे आपको ये वी नेक मिलेगा साथ में जो है हमको यहां पे कुछ इस तरीके का पूरा लेस डिटेलिंग मिलता है जिसमें कि एम्ब्रॉयडरी एंड फॉल्समेर की डिटेलिंग हो रखी है बीच के पोर्शन में पूरा एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंस का वर्क मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसे सो इसका लुक जो है वो कुछ इस तरीके से हो जाता है एंड ये भी वेयर करने के बाद बहुत ग्रेसफुल लगता है आप देख सकते हो कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है स्लीव इसमें हमको मिल जाएंगी थ्री फोर्थ इसमें पूरा ये वाला प्रिंटिंग पैटर्न हमको दिखने को मिल जाता है जो कि काफी ग्रेसफुल लग रहा है एंड ये बिल्कुल भी ट्रांस स्पेरेंट एंड सी थ्रू नहीं है गाइस आप इसको कंफर्टेबली ऐसे ही वेयर कर सकते हो सो so, ओवरऑल इसकी लुक कुछ ऐसी हो जाएगी बाकी यहाँ तक आपको एकदम परफेक्ट फिट रहेगा एंड देन उसके बाद इसमें गैदर्स दे रखे हैं तो आप इसको कंफर्टेबली वेयर कर सकते हो एंड ये जो है पूरा ए लाइन कुर्ता है नीचे तक इसका फ्लेयर आप देख सकते हो एकदम ए लाइन बराबर है कुछ ऐसे एंड लेंथ इसकी बहुत अच्छी खासी है कलर्स इसके बहुत समरी एंड ब्यूटिफुल हैं एंड वाइट शेड अपने आप में काफ़ी रिच लगता है जस्ट लुक एट दिस बैक साइड की अगर हम बात करें तो बैक साइड पर हमको ये पूरा इसी प्रिंटिंग पैटर्न पे मिल जाएगा ये देखिए कुछ ऐसे तो ओवरऑल आप देख सकते हो इसका लुक जो है बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल आ रहा है एंड इसके साथ जो हमको पैंट मिली है वो कुछ ऐसी है फुली इलासिकेटेड रहेगी ये हंड्रेड परसेंट कॉटन फैब्रिक में एंड सेम इसमें जो है ना प्रिंट भी आपको सेम मिलेगा ये देखिए कुछ ऐसे है फ्लेयर की अगर हम बात करें तो एकदम रेगुलर फिट में आ जाएगी और आप ट्राई ऑन देखना पहनने के बाद ये बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल लग रहा है सो so अगर अगर आपको कॉटन फैब्रिक पहनना पसंद है सो नो डाउट ये वाला पीस जो है आपके लिए ही होने वाला है कॉटन यू नो जो कॉटन प्रेफर करते हैं ऑन है। को के अगर आपको ये आता है, आप इसको कर। है, guys, वो भी एक कुर्ती और पैंट का पैटर्न पर हमको रिसीव हुई है ना हैवी फैब्रिक रहेगा कॉटन में एंड इसमें हमको ये मिल जाता है राउंड नेक एक सेकंड में आपको दिखा देती हूँ कुछ ऐसा राउंड नेक मिलेगा जिसमें पोटली बटन की डिटेलिंग है एंड देन इसके साइड पे भी पैचवर्क दिया है जो कि कंप्लीटली नीचे तक जाएगा ऊपर के पोर्शन में हमको ये पोटली बटन्स की टेलिंग मिल जाएगी और आप देख सकते हो कितना ज्यादा नीट एंड क्लीन वर्क है इसमें आपको कुछ इस तरीके का जो है थ्रेड वीविंग वर्क मिल जाएगा ये जो आप लाइन पैटर्न देख रहे हो ना पूरा थ्रेड वीविंग में है कंप्लीटली पूरे फैब्रिक में ये ऐसे ही रहने वाला है तो इसकी लुक कुछ ऐसी हो जाती है स्लीव्स की बात करें तो इसमें हमको हैवी स्लीव्स मिल जाती है मैं आपको यहाँ से दिखाती हूँ ये देखिए कुछ ऐसी पूरा इसमें हैवी वर्क दे रखा है हमको कुछ इस तरीके का ये देखिए स्लीव्स में जो है कुछ ऐसा वर्क आपको दिखने को मिल जाएगा आप देख रहे हो पूरा सीक्वेंस एंड एम्ब्रॉयडरी का वर्क है बाकी नीचे हमको ये हैवी वर्क दिखने को मिल जाता है पूरा कुछ इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा प्रटी एंड ग्रेसफुल लगती है इसकी स्लीवस एंड ये जो है इस ए लाइन कुर्ता है मैं आपको दिखा देती हूँ ये साइड में ना इसकी वेस्ट तक एकदम परफेक्ट फिट रहेगा उसके बाद इसके एक साइड पर आपको ये प्रिंटेड पैटर्न मिलता है ये डोरी के साथ एंड इसमें हमको दे रखे हैं ये टैसल्स तो ये आप यहाँ पर नॉट कर सकते हो

कॉटन पे आगे से ये बेल्टेड है पीछे से इलास्टिकेटेड एंड इसका फ्लेयर अगर हम देखें तो वो कुछ इतना रहेगा जो कि एकदम रेगुलर है ये देखें काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड यू नो ग्रेसफुल लगता है ये मेहंदी के फंक्शन के लिए एकदम परफेक्ट पीस है आप अपने लिए ले, ले सकते हो या फिर यू you नो know, आपके लव्ड वंस की किसी की भी यू नो नियर बाय वेडिंग होने वाली है तो उसको भी आप दोगे तो उसको काफ़ी पसंद आएगा तो आप इसको भी ट्राई करके so, नेक्स सकते नेक्स्ट आपके साथ शेयर करूंगे एक बहुत ही सा कुर्ता सेट जो कि बहुत डिफरेंट है ग्रेसफुल है एंड यू you नो know, काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगता है 100% परसेंट कॉटन फैब्रिक में हमको ये कुर्ता मिल जाएगा जो कि स्लीवलेस है ये देखिए कुछ इस तरीके से इसके फ्रंट योग पार्ट पे हमको ये हैवी वर्क मिल जाता है पूरा पैच वर्क है ये जिसमें आपको हैवी मल्टी कलर का एम्ब्रॉयडरी एंड फॉल्स मिरर का वर्क मिल जाएगा ये देखिए बहुत ही ज्यादा नीट एंड क्लीन वर्क है कंप्लीटली इसकी लुक जो है वो कुछ ऐसे रहेगी वेस्ट तक ये एकदम परफेक्ट फिट है एंड वेस्ट के बाद आप देख सकते हो कि इसके साइड में ना हमको ये डोरी दे रखी है ये देखिए दोनों तरफ डोरी है हैवी टेसल वर्क के साथ कुछ इस तरीके से इसमें जो है टेसल वर्क दे रखा है साथ में पर्ल की डिटेलिंग भी दी हुई है तो कुछ ऐसे इसकी लुक आ जाएगी स्ट्रेट फिट की कुर्ती है ये एंड इसमें आप देख सकते हो ये पूरा बाटिक प्रिंट है कितना ज्यादा

शॉर्ट स्लीव्स के हिसाब से इसमें हमको अंदर से इन्होंने फैब्रिक दिया हुआ है तो जो लोग यू you नो know, स्लीवलेस में कंफर्टेबल नहीं है वो स्लीव्स अटैच करवा सकते हैं तो इसका लुक कुर्ती का कुछ ऐसे हो जाएगा इसके साथ जो बॉटम वेयर मिला है वो भी हंड्रेड परसेंट कॉटन का ही रहेगा सेमी इलास्टिकेटेड है आगे से ही बेल्टेड है पीछे से इलास्टिकेटेड एंड इसका जो अगर हम फिट देखें तो वो कुछ ऐसे है ये देखिए पूरा यू नो काइंड ऑफ धोती की लुक देता है बट एक्चुअली में धोती नहीं है ये पैंट है और आप देख सकते हो कि इसका लुक किस तरीके का है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता है हल्की सी इसमें कट डिटेलिंग दे रखी है जो कि इसको एक स्मार्ट लुक देती है एंड इजीली आप इसको कैरी कर सकते हो तो ये हो जाता है इसका बॉटम वेयर एंड दुपट्टा इसमें हमको हैवी दे रखा है कॉटन ब्लेंड फैब्रिक में रहेगा इसका दुपट्टा जो सीक्वेंस वाला होता है ना कुछ ऐसे फुल लेंथ एंड वर्थ है इसकी लेंथ एंड वर्थ जो है पूरी पीको करके दी हुई है एंड बीच में आप देख सकते हो पूरा एम्ब्रॉयडरी का एंड सीक्वेंस का वर्क दे रखा है इसमें कंप्लीट फैब्रिक में इसमें आपको सीक्वेंस का वर्क मिलेगा एंड अगर इसके प्रिंट की बात करें तो आप देख सकते हो तो कुछ ऐसा प्रिंट है इसमें ये देखिए कुछ इस तरीके का सच अ ब्यूटीफुल एंड अ ग्रेसफुल पीस बहुत ही ज्यादा प्यारा एंड सोबर लगता है ये वेयर करने के बाद ऑन को देख सकते हो कुछ इस तरीके की पीसेज आपको पसंद है डिफरेंट लगते हैं पे अगर आप रखना चाहते हो तो आपके साथ शेयर करूंगी एक कुर्ती जो कि काफी प्यारी आपको रियॉन फैब्रिक में मिल जाएगी टील ब्लू कलर में है एंड इसमें आपको मिल जाएगा मैंडेरियन कॉलर हल्की सी स्लिट है इसमें एंड फ्रंट पे आपको कुछ इस तरीके का रोज एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा लाइट पिंक एंड पीच कलर का ये देखिए बहुत ज्यादा प्रटी एंड ग्रेसफुल लग रहा है ये भी तो इसका लुक जो है कुछ ऐसे हो जाएगा स्लीव्स इसमें हमको मिल जाएंगी ये देखिए कुछ इस तरीके से थ्री फोर स्लीव है, स्लीव्स हैं एंड स्लीव्स के एंड पे हमको ये कट डिटेलिंग का वर्क दे रखा है कुछ ऐसा एंड एम्ब्रॉयडरी है साथ में इसमें भी हमको जो है ना ये रोज का एम्ब्रॉयडरी वर्क मिल जाएगा ये देखिए कुछ इस तरीके का पूरा इसमें वर्क दे रखा है स्लीवस में सो ऑल ओवर इसका लुक जो है कुर्ती का वो रहेगा कुछ ऐसे स्ट्रेट फिट का कुर्ता है बहुत प्यारी इसकी फिटाई है इसके साथ आप व्हाइट कलर का या फिर लाइट पिंक कलर का बॉटम वेयर

एंड आप इसमें जो स्लीव्स हैं ना वो आपको थ्री फोर्थ मिलेंगे एकदम सॉलिड है कुछ ऐसी बाकी फ्रंट पोर्शन में आप देख सकते हो ये पूरा आपको एम्ब्रॉयडरी का वर्क मिल जाएगा क्रिस क्रॉस में ये देखिए यहाँ पे जो है आपको ऊपर से मिलेगा पूरा लाइट पिंक कलर का ये एम्ब्रॉयडरी वर्क हो रखा है इसमें यह देखिए फॉल्स में उनकी डिटेलिंग भी है एंड एकदम नीट एंड क्लीन वर्क है सो so, ऊपर के पोर्शन पर हमको ये मिल जाता है बीच में ये बटन डिटेलिंग दे रखी है इन्होंने जो कि पूरी स्टिचिंग में है तो आप इसको कम्फर्टेबली वेयर कर सकते हो एंड देन दूसरी साइड में हमको ये नीचे से मिल जाएगा तो ओवरऑल इसकी लुक ना कुछ ऐसे हो ती है स्ट्रेट फिट का कुर्ता है एंड इसकी फिट बहुत अच्छी आई है व्हाइट कलर के बॉटम वेयर के साथ काफी प्यारा लगेगा, इसको मैं आपको कुछ इस पे ये एकदम कलर का मिल जाएगा कुछ ऐसे वाइन शेड का तो आप देख सकते हो बहुत प्रिटी है ये भी लाइटन you know, पे डेली वेयर के हिसाब से या फिर ऑफिस में वेयर करने के लिए काफी प्यारा पीस है तो आप इसको भी ट्राई करती है कि आज का वीडियो नो डाउट आप लोगों को काफी पसंद आया होगा आप यूजफुल रहा होगा इसी तरीके की और अच्छी अच्छी हॉल वीडियो जल्दी जल्दी आने वाली हैं तो चैनल के साथ बने रहिएगा और जब तक मैं लाती हूं नेक्स्ट हॉल वीडियो तब तक अपना और अपनी फैमिली का खूब सारा ध्यान रखेगा टेन देन स्टे सेफ एंड बी ब्लेस्ट सिया